हैं एक नया टॉपिक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। यानी अभी तक हमने ये तो पढ़ा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, उसी को आगे एडवांस लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन रहेगी आपके पास, ध्यान से सुनते जाओ, डेफिनेशन रहेगी आपके पास द समेशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशंस इन रेट लो एक्सप्रेशंस। द समेशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लो एक्सप्रेशंस इज वन कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। चलिए कुछ और पॉइंट्स पे हम देखते जाते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें, शुरू से करें अपन, अगर हम बात करें कोई रिएक्शन है जो R इक्वल टू के ए की पावर 0 और B की पावर 1 बता रही है, तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। कोई रिएक्शन है वो ये बता रही है ए की पावर 2 और बी की पावर -1, तो भी 1। आर इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 0, तो भी 1 है। और ऐसा भी हो सकता है कि ए की रिएक्टेंट हो के ए की पावर एक से ज़्यादा हो, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2, तब भी 1। और आर इक्वल टू के ए की पावर 1, तो और 1, ये सब 1 1 1 ऑर्डर है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस पे पढ़ना है वर्क, ए की पावर 1। इसके बारे में हमारे को जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब हमारे को पढ़ने को मिलेगी यहाँ पर। तो चलिए करते हैं कंपेयर। तो हमारे लिए हो गया ए की पावर, अगर ये 1 हो गया तो हम इसी को आगे करेंगे। लिखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस किस तरह से वर्क करेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सही है। सबसे पहले तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे H2O2 डिकम्पोजिशन, अमोनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड या अमोनियम थायोहाइड्रोक्साइड रिएक्शन है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो जनरली एक पॉइंट हमारे पास होगा, जनरली ऑल थर्मल डिकम्पोजिशन कंपोजिशन रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, PCl5 डिकम्पोजिशन किस में हो रहा है? PCl3+Cl2 या SO2Cl2 डिकम्पोजिशन, SO2+Cl2 या CaCO3 डिकम्पोजिशन किस में हो रहा है? CaO+CO2। इस तरह का अगर हम बात करें NH4SH H2S+HCl प्लस अमोनिया, तो ये सब हमारे लिए क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। और दूसरा पॉइंट, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन आर ऑल्सो एग्जाम्पल आर फर्स्ट ऑर्डर तो जितने भी रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्टर वाली रिएक्शन हुई या जो भी रिएक्शन हो रही है, वो हमारे लिए कौन सी हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आ रही है बात समझ में? तो ये भी हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर है, लिखें इसको। देखो अब बात आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से रिलेटेड पॉइंट्स 1 by 1। तो आप ही बताइए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कोई भी अगर चेंज हो रही है ए से बी में, ठीक है, ये के किस क्या है? ये रेट कांस्टेंट है, किसका है? रिएक्टेंट का या रिएक्शन का या दोनों का? दोनों का, बिल्कुल सही बोला, ये दोनों का है। किसका? रिएक्टेंट का
प्रोडक्ट का दोनों का, अरे प्रोडक्ट का भी यही होगा, इस रिएक्टेंट का भी होगा और रिएक्शन का भी होगा, क्योंकि सबके कोफिशियंट क्या है, वन है या नहीं है। तो अगर यहाँ पर सपोज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ टू बी लिखा है, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, बोलो यस, बिल्कुल सही है। एंड एक और लिखना चाहता हूँ, प्लस लिखना पड़ेगा डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, टू के ए, क्यों, क्योंकि बे जो बनेगा बनेगा तो रिएक्टेंट से, बोलो यस और नो, तो आएगा हमेशा रिएक्टेंट ही, क्योंकि बी जो बनेगा वो भी ए से डिसाइड होगा और ए जो डिकम्पोज होगा वो भी ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। भाई मेरे मैंने तुम दुकानदार हो, मैं ग्राहक हूँ, मैंने पैसे खर्च किए, तुम्हारे पास वही पैसे आएंगे जो मैं दूंगा, तुम्हारे पास पहले से कितने रुपए हैं उससे मेरे को कोई फर्क ही नहीं है, तो सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, मुझ पर, रिएक्टेंट पे। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पर थ्री सी होता तो डी सी बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाती, थ्री की ए, या सुनो अगर यहाँ टू होता तो ये टू यहाँ आता, ये टू यहाँ आता, कुछ समझ में आया, बोलो या सुनो, यहाँ पर जीरो होता तो यहाँ पर भी जीरो आता, यहाँ पर भी जीरो होता, बस सिर्फ कहाँ फर्क पड़ता है, एक तो यहाँ पर माइनस है यहाँ क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस प्लस आएगा, और दूसरा फर्क रहेगा इनके रेट कॉन्स्टेंट अलग अलग होंगे क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है। अगर यहाँ पर थ्री होता तो यहाँ पर भी थ्री आ जाता, तो कोई दिक्कत है समझने में, बोलो नहीं है, नहीं है, वेरी गुड। तो अब हमारे को किससे बनाना है, ये है हमारे लिए इंटीग्रेटेड रेट रो, तो हमें क्या करना है, डेराइव डेराइव इंट्री, ये तो डिफरेंशिएट फॉर्म है, इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशंस, बोलो यस। तो पहले तो आप ये देखो कि ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन करने के लिए हमने क्या सीखा है, हमने एक चीज सीखी है कि डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन से हटाया जा सकता है, बोलो हाँ या ना, और इंटीग्रेशन में हटाने के लिए भाई को भाई के साथ और बहन को बहन के साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है, मिला दे ए को ए की तरफ, तो तुम समझ ही गए होंगे, ए इधर भेज देते हैं और डी टी, और मेरी तो बचपन से आदत है इंटीग्रेशन करूँगा वो भी डेफिनेट, क्योंकि सी का लफड़ा ही नहीं है, क्या करूँ मैं, टी जीरो कंसंट्रेशन ए नोट ए टी सी टी यहाँ पर टी, अब ये कंसंट्रेशन कुछ नोट ए नोट ए टी लिख देते हैं, कुछ सी नोट सी टी लिख देते हैं, आप क्या लिखो कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं है, मोल और कंसंट्रेशन और मास तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है तो लिख सकते हो, चलने दे। तो अगर आपने चलने दिया तो वन बाई ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन ए, तो ठीक है एल एन ए क्या लिमिट रहेगी, ये माइनस से ध्यान रखना ए टी अपॉन ए नॉट, ये तो हमारे पास है ही, इज इक्वल टू के टी, तो बताइए एल एन ए ए टी ए नॉट, तो ए टी माइनस ए नॉट होना चाहिए था लेकिन ए नॉट माइनस ए टी हो जाएगा, तो अब आप तो इंटेलिजेंट है ही, जब कोई चीज माइनस होती है तो डिवाइड हो जाता है एल एन में, तो ए नॉट बाई ए टी और के टी, थोड़ी सी इंटेलिजेंसी और बढ़ा दो, कैसे, एल एन को हटाओ लॉग को लाओ, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k को भी उधर ले जाओ 2.303 अपॉन, जल्दी से बोलो 2.303 अपॉन k log a नॉट अपॉन ए टी, यस और नो। अब मुझे इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनाने थे, बना दूंगा मैं, मेरे क्या दिक्कत है, कैसे ये भी बन सकता है, इस ln को इधर ले जाओ तो ए नॉट अपॉन ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बोलो ए नॉट अपॉन ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे वाह e की पावर के टी, और ए टी को उधर ले गया तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा, ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट e की पावर माइनस के टी, तो ये साइड रिजल्ट है। तो एक बार साइड रिजल्ट पे और वर्क करते हैं सारे एक साथ, लिखो जल्दी से लिखो इनको फ्रेंड्स, हम आते हैं कुछ फॉर्मूले फॉर्मूला पे वर्क करते हैं, चलते हैं देखिए कितने तरह के बन सकते हैं, आपने मेन फॉर्मूला क्या बन सकता है, एल एन
आप ही बताइए, टी इक्वल टू 1 बाई के ln ए नोट अपॉन ए टी, ये आपका मेन फॉर्मूला है, यस और नो? बोलो यस। तो अब इससे मैं कितने तरह के फॉर्मूले बना सकता हूँ। फर्स्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। कोई मेरे को मना करेगा? नहीं, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए टी की वैल्यू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी? पक्का मैं लिख सकता हूँ? और भी मेरे को बहुत सारे फॉर्मूले बनाने, सही है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ टी इक्वल टू 1 बाई के ln ए नॉट ए टी के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गया? के का दोनों तरफ कर सकता हूँ ऊपर नीचे, कोई मना करेगा क्या? और उससे मैं एक और लिख देता हूँ, टी इक्वल टू 1 बाई के ln आर नॉट अपॉन आर टी। आर यहाँ पर रेट है, शुरुआत पे रेट क्या होगी और बाद में क्या रेट होगी। तो ये एक और हमारा फास्ट फॉर्मेट हो गया। बोलो यस और नो, समझ में आ गया? तो इससे रेट पे भी डिकम्प बताया जा सकता है। मुझे कंसंट्रेशन, ये अमाउंट है, मास में आ सकता है, मोल में आ सकता है, कंसंट्रेशन में आ सकता है। मुझे एक और फॉर्मेट बनाना था, ये तो है हमारे पास रिमाइंडर। अगर मुझे डिसोशिएट बनाने, डिसोशिएट तो कैसे बनाऊंगा? ए नॉट माइनस ए टी कर दूंगा मैं। बोलो यस और नो? डिसोशिएट बनाने तो ए नॉट माइनस ए टी, यानी ए नॉट कॉमन ले लूंगा मैं, ए टी की वैल्यू यहां से रख दूंगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस kt। कोई मुझे रोकेगा? ठीक है, तो ये एक और फॉर्मेट बन गया। अब इस तरफ मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो हमारे पास हो गया डिसोशिएट मोल, कोई डाउट नहीं है, श्योर, लॉक कर दें, वेरी गुड। अब इस तरफ हमारे पास कुछ और फॉर्मेट हमें बनाने हैं। टी इक्वल टू मैं एक काम और करता हूँ, 1 अपॉन 0.693 अपॉन t½। ये कैसे आया मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना? ये एक और फॉर्मेट बन जाएगा मेरा। तो क्या हो जाएगा? ln ए नॉट अपॉन ए टी। तो ये वैल्यू ऊपर चली गई मेरे पास, तो t½ अपॉन 0.693 ln ए नॉट अपॉन ए टी, यानी के की वैल्यू हमारे पास ये भी हो सकती है। क्या हो सकती है? के की वैल्यू 0.693 अपॉन t½। कोई समझ में आया? तो इससे तो फिर हम यहाँ से भी बना सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से भी। कैसे? टी के वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर ln को मैंने वो चेंज कर दिया, यहाँ से नहीं, यहाँ से ले लेते हैं अपन। मैंने क्या करा, ln को किस में चेंज कर दिया, 2.303। तो जब 2.303 में 0.693 का डिवाइड होगा तो क्या आएगा आपको मालूम है? 3.3, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ 3.3 t½ log, इसको मैंने चेंज कर दिया ln को log में, और क्या लगा दिया, 2.303 t½ log a नॉट अपॉन ए टी। हाँ या ना? तो ये भी कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ ना? बस तो मैं वही तो करवाना चाह रहा हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ? बोलो यस और नो? तो अब आप मुझे और कोई एक अच्छा सा एग्जांपल बनाए, सर आप ये भी कर सकते हो, जगह भी है और मौका भी है और दस्तूर भी है, बताओ जल्दी। कोई ऐसा फॉर्मूला जो और आप बनाना पसंद करो। हाँ, आप कह सकते हो कि सर आप एक काम करो, टी इक्वल टू 1 अपॉन k, ठीक है, आप ln या log जो आपकी मर्जी है, a नॉट माइनस x लिख दो। x यहाँ पर क्या बताएगा? डिसोशिएट मोल। बोलो बताएगा या नहीं बताएगा? और अगर आप चाहो तो 2.303 लिख के log भी लिख सकते हो।
तो डिसोशिएट मोल अगर आपके पास है ना, तो इनिशियल माइनस डिसोशिएट क्या होते हैं, रिमाइंडर। एटी क्या बता रहा है, रिमाइंडर। ये भी हमारे पास हो गया फॉर्मेट, कोई डाउट। तो हमने एक ही चीज को इतने अलग अलग तरीके से लिख दिया है, मजा आ गया। तो जल्दी से लिखो इसको पूरा। थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत करते हैं और इस पॉइंट पे आते हैं, ध्यान से सुनना। अभी तक हमने जो रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़े उसकी एप्लीकेशंस पे थोड़ा सा और वर्क करते हैं, जैसे हाफ लाइफ भी निकालेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है और खुदा खुरापाती आ रही है, और वो खुरापाती कुछ निकालना चाह रहा हूँ। निकालूँ मैं, इजाजत है? मुझे ट्वाइस ए दिया हुआ है, कन्वर्ट टू बी प्लस सी, और के दिया हुआ है आपके पास एक्स सेकेंड इनवर्स। वाह, मजा आ गया। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट। कैसे पता चला? सेकंड इनवर्स से। आपको हर चीज बतानी है। शुरुआत में दिया हुआ है टी इक्वल टू जीरो पर ए नॉट जीरो जीरो, सही है। अब आपको बताना है हर समय पे क्या रहेगा। तो टी इक्वल टू टी पर ए टी की वैल्यू क्या होगी, ए टी की वैल्यू क्या होगी? आप जानते हो क्या होगी? ए नोट ई की पावर माइनस के टी। क्या होगी? ई की पावर माइनस के टी, बोलो। हाँ, ए टी की वैल्यू क्या होगी? ए नोट ई की पावर माइनस के टी, अपन ने अभी हल पढ़ा है। के की वैल्यू क्या होगी? इसका रेट कांस्टेंट क्या है, एक्स या टू एक्स? जोर से बोलो, मैंने नहीं सुना। टू एक्स। तो ए टी की वैल्यू ए नोट माइनस के टी होता था, यस और नो? और आपको मैं बता दूं, ये के ए का होता है रेट कांस्टेंट। कुछ समझ में आई बात? तो जल्दी से ए टी की वैल्यू बता दो आप। ए नोट ई की पावर माइनस टू एक्स टी। कितना सेटिस्फाई हैं आप मेरी बात से, पूरी तरह से? तो ये हो गया एक्सप्रेशन वन। अब बताओ बी टी क्या होगा? देखो, डिसोशिएट मोल या डिसोशिएट अमाउंट ऑफ ए, जो डिसोशिएट हुआ है ए का, वो मल्टीप्लाई बाय हमारा पुराना कंसेप्ट टू बाई टू। मोल में आ गया, बाद में चाहो जिसमें कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना? अरे वही अपना पुराना रूल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास कितना ए का डिकम्पोज हुआ है, ए नोट माइनस ए टी, ये कट गया, बस ये आएगा ए नोट माइनस ए टी। बोलो यस। और ए नोट माइनस ए टी की वैल्यू क्या होगी? ए नोट कॉमन ले लो, वन माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स टी। चलिए, तो ये दूसरा हो गया। अच्छा, अब सी टी बताओ। सी टी क्या होगा? डिसोशिएट मोल या अमाउंट ऑफ बी। मोल में लेना है, ध्यान रखना। अमाउंट किस में लेना है? इसे कम मोल में ही, मोल में भी ले सकते हो, कंसंट्रेशन में भी ले सकते हो, मास में मत करना। मास में ले लिया तो मास को मोल में कन्वर्ट करके फिर फैक्टर मेथड लगेगा। ये ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय वन बाय ए, सॉरी वन बाय टू। जिसका निकालना है उसका कोफिशियंट ऊपर, और जिसका दिया गया है उसका कोफिशियंट नीचे। वेरी गुड, पकड़ लिया मेरी बात को? अब बताओ डिसोशिएट मोल कितना है, ए नोट माइनस ए टी वन बाई टू। तो ए नोट कॉमन ले लो, ए टी की वैल्यू है मालूम है ही, ई की पावर माइनस ट्वाइस एक्स टी। क्या बोलते हो, आ गई बात समझ में? इंटू वन बाई टू। सी टी भी निकाल दिया आपने,
तो आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको बस क्या चाहिए, मोल प्लस काइनेटिक। दो चैप्टर पे अच्छा कमांड है, आप सब कुछ कर जाओगे। तो चलिए इस पे लिखें, फिर अपन करते हैं कुछ और। देखिए जब मेरा काइनेटिक हो चुका है, इस तरह की रेट में आपको करा चुका हूँ, करा ही रहा हूँ, आ गया समझ में। तो अब अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं इसमें हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ कैसे वर्क करेगी, हाफ लाइफ के बारे में आपने क्या जाना है। इट इज द रिक्वायर्ड टाइम टू डिसोशिएट 50% ऑफ द सब्सटेंस ऑफ इनिशियल अमाउंट। डेफिनेशन क्लियर है? तो जब भी आप टी इक्वल टू टी हाफ लिखते हो, तो एटी की वैल्यू क्या लिख देते हो, ए नॉट बाई टू, बोलो लिखते हो या नहीं लिखते। तो जब आप, और दूसरा आप क्या फंक्शन जानते हो, आप ये भी जानते हो, क्या जानते हो आप, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। तो दोनों चीजें एक साथ फिल करते हैं अपन, टी की जगह टी हाफ लिखते हैं, 2.303 के लॉग लॉग ए नॉट, ए टी की जगह क्या लिख देते हैं, ए नॉट बाय टू, ये कटा। लॉग टू की वैल्यू जानते हो 0.3010 होती है, तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 हो जाएगा, ये टू ऊपर जाएगा अपॉन के। तो बचपन से ही हम ये चीज पढ़ रहे हैं, 0.693 अपॉन के टी हाफ होता है, बोलो होता है या नहीं होता, ये हो गया टी हाफ। ठीक है, मैंने टी हाफ निकाला, लेकिन मुझे किसी ने कहा आप सर टी क्या 3/4 निकाल सकते हो, मैंने कहा हाँ निकाल सकता हूँ मैं। कैसे, मैं थोड़ा एडवांस वर्जन में बात कर रहा हूँ, मुझे ये पता चला कि के की वैल्यू भी अपन रख दी, तो अपन के की वैल्यू को टी हाफ की फॉर्मेट में निकालना चाह रहा हूँ यहाँ। तो पहले चाहो तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, आपकी बात भी, मैं 2.303 अपॉन के ये फॉर्मूले से ही निकालता हूँ पहले, फिर टी हाफ की रेस्पेक्ट में भी निकालूंगा मैं ए नोट। अब बताओ क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, 3/4 डिकम्पोज हो चुका है, तो बचा कितना है, 1/4, तो ए नोट बाय 4, 2.303 अपॉन के लॉग 4 कितना होगा, 0.6020, 0.3010 था, तो ये कितना हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। क्या इसको दूसरी तरह से प्रूव किया जा सकता था, हाँ बहुत आसानी से करा जा सकता है, कैसे देखिएगा, टी इक्वल टू आपने मेरे से पढ़ा है 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, और आपने मेरे से ये भी पढ़ा है कि के की वैल्यू 0.693 अपॉन टी हाफ होती है, तो के को यहाँ रख दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से समझो, पहले लिखना बाद में, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस क्या हो जाएगा आपके लिए, टी इन के की वैल्यू जैसे मैं वहां रखूंगा 3.3 टी हाफ लॉग ए नॉट अपॉन ए टी बन जाएगा। या सुनो, अब अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग रखते जाएंगे, हमारा आंसर आते जाएंगे। हमने अगर यहाँ पर ए टी की वैल्यू 3/4 रखी तो अपने आप बनेगा वो, तो चलो देखते हैं कैसे होगा। पहले तो ये लिख लो आप फास्ट, आ जाते हैं हम अगला टॉपिक करते हैं इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। हमने क्या पढ़ा, गुरु मंत्र, हमने ये पढ़ा ए टी की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखना, 3.3 टी हाफ लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, मुझसे गलती हो रही है, यहाँ टी लिखना था मेरे को, सही है, बोलो यस और नो, पकड़ में आई बात, ये इक्वेशन अपन डिराइव कर चुके हैं। अब अगर मेरे से कहा कि किसी ने टी हाफ बताओ, सॉरी टी 3/4 बताओ, मैं भी एक्सपर्ट, टी की जगह टी 3/4 लिख दिया, 3.3 टी हाफ लॉग ए नोट अपॉन ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो,
ए नोड बाय फोर, और ऊपर चलो टी थ्री बाई फोर की वैल्यू आ जाएगी, लॉग फोर की वैल्यू होती है 0.60, 0.6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0.6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा एग्जैक्ट, तो 2t½। समझ में आई बात? बोलो यस। अगर किसी ने मेरे से कहा टी नाइन, थोड़ा सा इस तरफ से लेते हैं, टी 90%, 90% को वो क्या लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, या टी 0.9, बात एक ही है, या तो 90 के साथ परसेंट लगाएगा, परसेंट नहीं लगाएगा तो 0.9, बात बराबर ही है। 90% का मतलब 90 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर टी 0.9 इज इक्वल टू 3.3 टी हाफ मल्टीप्लाई बाय लॉग ए नॉट अपॉन एटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90% तो गया, या 0.1 अपॉन 0.1 एटी ए नॉट, 90% खत्म। तो ये चीज खत्म हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 3.3 टी हाफ टी 0.9, सही है। अगर किसी ने कहा नहीं हमें टी 99 चाहिए, तो फिर मैंने टी 99 को भी ले लिया, 3.3 टी हाफ लॉग ए नॉट अपॉन 0.01 ए नॉट, एटी की वैल्यू ये हो गया मेरे पास। तो 6.6 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 99% को 2 मल्टीप्लाई बाय 3.3 टी हाफ, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मेरे को 1 मल्टीप्लाई लिख देना सही रहेगा। फिर आगे टी 99.99 के साथ क्या होगा, फिर क्या बात है, मेरी संगत का असर इतना, टी 99.99 का मतलब क्या हो जाएगा, फोर मल्टीप्लाई बाय, सही है। तो मैं बहुत सारी चीजें लिख रहा हूं आपके साथ, ये तो एक चार्ट बना हमारा, एक और रिजल्ट्स बन रहे हैं, ये चार्ट बहुत प्यारा चार्ट है, आपको समझ में आ गया? तो रिजल्ट्स क्या बन रहे हैं, चलो मेरे साथ आओ। टी 3/4 अपॉन टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, क्या मैं सही हूं, ये इधर आया 2/1, ये उसके चार्ट के रिजल्ट्स आ गए। टी 90% और टी 99 और 90% क्या होगा, अगेन 2/1, देखो आप, सही है। एक और रिजल्ट, टी 90 अपॉन टी 50% क्या होगा, 90% आपने निकाला था 3.3 टी हाफ पक्का, और ये कितना निकाला था, ये टी हाफ ही है, थ्री पॉइंट थ्री बाय 10। बोलो यस और नो। एक और बताओ, टी 90% और टी हाफ, हाफ का मतलब 50%, बताओ क्या आएगा, 3.3 अपॉन, वो तो लिख ही लिया, 75 करते हैं इसको। बोलो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो नहीं आ रहा, 90% उठा दिया मेरा ये रहा 90%, और 75 उठा दिया ये रहा 2, तो 3.3/2, समझ में आ रही है गणित? अच्छा एक और बोलता हूं मैं, टी 99.99
1999। अगेन 2 बाय 1, देख लो जितनी बार एन होता है वो तो यहाँ फैक्टर आता है, ये 4 आ गया, 4 और 99 ये रहा 3.3, 4 बाय 2, देख ले 99 में 2 आया था तो 4 बाय 2 क्या होता है, 2 बाय 1। तो मैंने बहुत सारे रिजल्ट लिख दिए, 1, 1, 2 रिजल्ट, 3 रिजल्ट, 4th रिजल्ट, 5th रिजल्ट। बेटा किसी को भी कोई डाउट, ऐसा पॉइंट जो आपको ये वाला, ये तो समझ में आ गया 3.3 t हाफ, और ये रहा ना 75%, 10, बोलो यस और नो, 2 t हाफ। 75 का मतलब भी 3 बाई 2 है, 4 है, तो आपने मेरे साथ बहुत सारे रिजल्ट सीखे हैं उसके लिए थैंक यू, जल्दी से लिखें आप बाकी। तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत प्यारी सी कहानी से। देखो हुआ ये कि मुझे मेरे पापा ने 1,000 रुपये दिए और कहा मंदिर जाओ और दान करके आ जाओ, ठीक है। अब हुआ ये, जब 1,000 रुपये दिए तो पापा के पैसे हैं, क्या दिक्कत है, कौन दिमाग लगाता है। तो उस पहला भिखारी आया, मैंने 100 रुपये दे दिए, ठीक है। दूसरा आया, फिर 100 रुपये दे दिए। तीसरा आया, फिर 100 रुपये दे दिए। चौथा आया, 100 रुपये दे दिए। पांचवा आया, 100 रुपये दे दिए। 10वां भिखारी आया, 100 रुपये दे दिए। खुद भिखारी बन गया लेकिन सामने वाले को देने में कमी नहीं रखी। तो कहानी समझ में आई, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। पहला, मेरा जो ऑर्डर है देने का वो है 0 ऑर्डर। कैसे पता लगा, क्योंकि सेम टाइम ड्यूरेशन में मैं सेम अमाउंट दे रहा हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कंसंट्रेशन यानी मेरे अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करी रेट। 1,000 रुपये थे तब भी 100 देता था, और जब 100 रुपये रख गए तब भी 100 रुपया पर भिखारी। पर भिखारी का मतलब हो गया पर सेकंड दे रहा हूँ। तो मेरा नेचर कैसा है, 0 ऑर्डर का। कुछ समझ में आई बात। तो अब कहानी से क्या क्या निष्कर्ष रिजल्ट्स बने, एक तो ये कि मेरा अमाउंट कभी ना कभी खत्म होगा, दूसरा मेरी जो हाफ लाइफ है वो इस बात पर डिपेंड करती है मेरे पास कितने पैसे हैं। देखो जब 1,000 रुपये थे तो 500 रुपये खर्च करने में 5 भिखारी का समय लगा, लेकिन जब 2,000 होंगे सपोज, तो 1,000 रुपये खर्च करने में 10 भिखारी का समय लगेगा। तो अमाउंट बढ़ने पर हाफ लाइफ भी मेरी क्या होगी, बढ़ेगी, तो कम होने पर कम भी होगी। जब 200 रुपये रह जाएंगे तो 1 भिखारी का ही समय लगेगा हाफ लाइफ का। यानी क्या मेरी हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड करेगी। हाँ, किसी दिन पापा ने मुझे 10,000 रुपये दे के दे दिया कि जा खर्च कर, तो मुझे ये इससे कोई फर्क नहीं, आज 10,000 दिए तो ज़्यादा देना है, दूंगा तो मैं क्या 100 100 रुपये। तो हाफ लाइफ कितनी हो गई मेरी, 50 भिखारी, ठीक है ना, 50, सही है ना। ऑब्वियसली मेरे को 50 भिखारी को 100 100 रुपये दूंगा मैं, तब जाके मेरे 5,000 बन होंगे खत्म, 10,000 है ना आज। और जब 1,000 रुपये होंगे तब मैं 5 भिखारी में काम चल जाएगा। और किसी दिन गलती से पापा ने 1 लाख रुपये दे दिए तो 500 भिखारी तक देता रहूंगा मैं, 50,000 खर्च करने हैं मेरे को। समझ में आ गई बात, बहुत मुश्किल काम हो जाता है पैसे खर्च करना भी कई बार, वो भी तब जब बाउंडेशन ये कि पर सेकेंड या पर भिखारी 100 रुपये ही देना है। अच्छी बात है। चलो दूसरे दिन, अगले मंगलवार मेरी वाइफ को 1,000 रुपये दिए और कहा जाके अब तू खर्च कर, अब लेडीज वाला दिमाग तो लगाएंगे। पहला भिखारी आया, 100 रुपये दे दिए, पता ही नहीं चल रहा कि 0 ऑर्डर है या फर्स्ट है। लेकिन जैसे ही दूसरा भिखारी आया, दिमाग में विचार आ गया, जो मेरे पास 1,000 थे तो मैंने 100 दिए, अब तो मेरे पास 900 रुपये हैं तो मैं तो 90 ही दूंगी, 90 रुपये दे दिए। फिर कितने बचे, 810 रुपये। अब तीसरा भिखारी आ गया, अब तो 81 रुपये यानी 81 रुपीज ही दूंगी मैं, 810 का 10% कितना हुआ, 81। तो क्या दिमाग लगा लिया उसने, हर बार अपना
देना फिक्स है लेकिन क्या परसेंटेज वाइज फिक्स कर दिया, मैं दे रहा था अमाउंट वाइज फिक्स और मेरी वाइफ ने क्या कह दिया 10%, जो भी होगा 10%। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या पता चलेगा, एक उसके पास कभी पैसे खत्म ही नहीं होंगे, जब 10 रुपये रहेंगे ना तो भी खुले करा के 1 रुपया देगी पक्का, तो कभी भी पैसे खर्च होंगे क्या उसके? नहीं रहेंगे, तो कभी भी वो भिखारी नहीं बनेगी। दूसरा हम दोनों में क्या अंतर रहा, एक तो ये कि हम दोनों में वो मैं भिखारी बन जाऊंगा, वो कभी भिखारी नहीं बनेगी, मैं फिक्स अमाउंट देता हूँ, वो फिक्स परसेंटेज अमाउंट देती है, दूसरा डिफरेंस। तीसरा मेरी हाफ लाइफ अमाउंट बढ़ने के साथ बढ़ती है, उसके साथ ऐसा है ही नहीं, जब फिक्स अमाउंट परसेंटेज वाइज देना है तो 50% देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करेगी। पापा ने 1 लाख रुपए दे दिया उसको, तो वो अब क्या करेगी, 10% फिक्स है उसने तो यही सोच रखा है, तो अब वो 100-100 रुपये थोड़ी ना देगी, वो 1000-1000 रुपये देगी, 1 लाख दे दिया तो 10,000 देगी, तो अमाउंट बढ़ा लेगी जिससे देने की स्पीड तेज हो जाए। तो फास्ट पॉइंट बहुत सारे हमारे डिफरेंस आ रहे हैं। तीसरे दिन मेरी मम्मी को भी 1000 रुपये दे के भेज दिया, मंदिर जाओ और दे के आओ। उन्होंने क्या करा, पहले भिखारी को 100 रुपये दिए, पता ही नहीं चला 0 ऑर्डर किए या फर्स्ट ऑर्डर किए। दूसरे भिखारी को अगर 100 देती तो 0, 90 देती फर्स्ट, और 90 से भी कम दे दिया यानी 70-80 रुपये दे दिया, तेजी से कम कर दिया, तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर या फर्स्ट से कम, फर्स्ट से ज़्यादा, सॉरी ज़्यादा। तो ऐसा ऑर्डर आती आइडिया लग गया कि सेकंड ही है हमारे रिजल्ट में, 0 फर्स्ट सेकंड ही होता है। तो आप 1 सेकंड के लिए सोचना, अगर मैं बात करूं मेरा मेरा अमाउंट अमाउंट वर्सेस टाइम, तो ऐसा जाएगा 0 ऑर्डर के लिए, ये डिफरेंस मैं लिखाऊंगा, मैं भी अभी मत लिखो सिर्फ समझो, डिफरेंस लिखाऊंगा 0 फर्स्ट सेकंड में, पूरा टॉपिक पढ़ा दूं कहानी सुनने के बाद मैं अच्छे से। मेरी वाइफ का जाएगा ऐसे, कभी खत्म नहीं होगा, और मेरी मदर का जाएगा जो थर्ड ऑर्डर है, ये किसके बीच में है, हमारे पास जो अमाउंट है वर्सेस टाइम, अमाउंट मोल में हो, रुपीस में हो, डॉलर में हो, समझाने का कंसेप्ट है, तेजी से गिरेगा, ये तेजी से गिरेगा या धीरे धीरे गिरेगा? धीरे धीरे, सही कहा यार, पहली बार को तो 100 रुपये सबने दिए, लेकिन मेरी वाइफ ने कम दिए और मेरी मम्मी तो और कम देगी, डिपेंड करेगा अमाउंट बढ़ने के साथ तेजी से देगी और अमाउंट कम होने के साथ तेजी से कम भी होगा। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट फर्क पड़ रहा है, हाफ लाइफ मेरे लिए अमाउंट पे डिपेंड करेगी, यहाँ नहीं करेगी, यहाँ वापस करने लग जाएगी, अमाउंट ज़्यादा होगा तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, बहुत सारे डिफरेंस आएंगे जो मेरे को आपको दिखाने। यहाँ अमाउंट बढ़ने के साथ हाफ लाइफ बढ़ेगी, यहाँ अमाउंट बढ़ने के साथ हाफ लाइफ कुछ भी नहीं होगी, यहाँ अमाउंट बढ़ने के साथ हाफ लाइफ कम होगी। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा सा इस चीज को हमारे को करना है। चलो और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ, अभी अपन ने सेकेंड ऑर्डर पढ़ा नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर भी पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ कंसेप्ट हमारे शुरू हो गए। कहानी अच्छी लगी तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे बाद में, ये कहानी का यूज आएगा आपके लिए। तो पहले तो मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर को और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, सही है? लिखिए फर्स्ट ऑर्डर, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस करना शुरू करें।
पहला फर्स्ट पॉइंट तो क्या आता है आपके पास, टी हाफ इक्वल टू आपको याद है 0.693 अपॉन के, सही है। दूसरा हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड, ऑन इनिशियल अमाउंट या अमाउंट भी बोल सकते हैं। हाफ लाइफ छोड़ो, कोई भी लाइफ, एनी लाइफ, ये तो हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं एनी लाइफ, एनी लाइफ, एनी लाइफ के अंदर टी 3/4 हो सकता है, टी 90% हो सकता है, वगैरह वगैरह, डज नॉट इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, ऑन इनिशियल अमाउंट या एन अमाउंट। इसको अलग स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं इसी पॉइंट्स को, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस सेम परसेंटेज अमाउंट, डिकम्पोज इन सेम टाइम पीरियड, ये इसका सबसे अच्छा पॉइंट है, सेम परसेंटेज अमाउंट डिकम्पोज इन सेम टाइम ड्यूरेशन, सही है। तो अगर सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत पहले आया था आईआईटी में एग्जाम्पल था, बच्चों ने कह दिया सर हमसे नहीं हुआ क्योंकि इतना हाई कैलकुलेशन नहीं थी, टफ हमें आया नहीं, उसमें था फॉर मेरे को भी एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ 72 और 63, इनिशियल अमाउंट 72 था और 63 रह गया, सही है। यानी ये ए नोट था और ये ए टी था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक थी, मैंने कहा सही है। फिर दोबारा जब उसने दिया अगले क्वेश्चन में, तो मैंने क्या दिया, ध्यान से सुनना, ये रेशियो कितना आ रहा था, अगर 9 से काटे हम 8/ कितने से कटेगा, 9 से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इनिशियल अमाउंट 8 और 7 में कंपेयर हो रहा है तो क्या सेम टाइम ड्यूरेशन लगेगा, ही नहीं लगेगा, सेम लगेगा, यानी ये रेशियो और ये रेशियो सेम है तो उनमें लगने वाला टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। तो उसने कहा किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए 72 से 63 होने में 10 घंटे लगे, तो बताओ 8 से 7 होने में कितने घंटे लगेंगे, 10। तो इसमें क्या मैथ्स लग रही है, या आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से कर दो, 8 के 24, 24 से 21 होने में कितना समय लगेगा, सेम समय लगेगा। मैंने कहा ये तो बचपन में पढ़ते हैं अपन, और अगर आपने 4 से कर दिया, 8 चौक 32 और 7 चौक 28, तो बताओ 32 से 28 होने में कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे। तो ऐसा एग्जामिनर हमारे आईक्यू का ले लेता है टेस्ट कि बच्चे का नॉलेज कितना है, उसने जो इनिशियल अमाउंट दिया और फाइनल दिया वो रेशियो निकाल दो, यहाँ दिया वो रेशियो निकाल दो, निकाल दिया, अगर वो सेम है तो सेम टाइम लगेगा, लेकिन वो अगर एक दूसरे की पावर है, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, 3 पावर है 3 टाइम्स, 4 पावर है 4 टाइम्स, थोड़ा दिमाग बहुत तेज है इस मामले में, तो हो सकता है कि वो पावर में दे दे। जैसे कभी इनिशियल का रेशियो 1/सपोज 2/3 है और बाद 2/3 तो क्या होगा, 3/2 है और बाद में 9/4 दे दिया, तो इसमें 10 घंटे लगते हैं तो इसमें कितने लगेंगे, 9/4 में 100 घंटे, उसमें 10 तो उसमें 100, उसमें 5 तो उसमें 10, दुगना ही तो करना है, गलती हो गया, इसमें 10 तो इसमें 20, हाँ बिल्कुल सही कहा, इसमें 10 घंटे लग रहे हैं, 3 से 2 होने पे तो 9 से 4 होने में कितने लगेंगे, 20, सोनी 20 पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पावर चलता है लेकिन वहां पर 2 टाइम्स, अगर 3 पावर आ गया तो 3 टाइम्स, 4 पावर आ गया 4 टाइम्स, सो इजी। तो ये कंसेप्ट्स हैं जो आपको लिखने हैं, लिखो।
मैं आपके साथ हूँ और मुझे अगला पॉइंट लेना है हाफ लाइफ के कर्व्स वगैरह पे इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट कर्व्स सबसे पहला कौन सा कर्व आएगा? देखो ध्यान से, हमें तीन चार कर्व बनाने, इम्पोर्टेंट कर्व्स। सबसे पहला कर्व कौन सा बनाना पसंद करोगे आप? मुझे लग रहा है आप हाफ लाइफ वर्सेस, पहले समझ लो मैं कैसे बना रहा हूँ। हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल अमाउंट, क्या रिलेशन होता है इनमें आप अच्छे से जानते हो। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693, 0.693 अपॉन के, तो कोई रिलेशन है ही नहीं, बस ये है ही नहीं, तो इसका मतलब हाफ लाइफ क्या रहेगी? ऐसी रहेगी। तो ये तो हो गई आपकी हाफ लाइफ 1/2, और ये हो गया आपके पास इनिशियल अमाउंट ए नोट, कोई रिलेशन नहीं है। और ये जो वैल्यू होगी ना, ये क्या होगी? 0.693 अपॉन के, हमेशा यही बना रहेगा। के यहाँ पर क्या रहेगा? रेट कांस्टेंट। मुझे किसी ने कहा नहीं हमें ये वाली लाइफ लेनी है, कौन सी वाली लाइफ लेनी है भाई, पूछ तो लूँ कौन सी चाहिए तुम्हारे को, तो उसने कहा हमें ये चाहिए T3/4 वर्सेस ए नोट। मैंने कहा बहुत आसान है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कैसे करोगे? मैंने कहा आराम से आप क्या करो, वही चीज लिखनी है दोबारा, T3/4 वर्सेस टी हाफ, सॉरी वर्सेस ए नोट, थोड़ा ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू क्या होगी? 2T हाफ। 2T हाफ का मतलब 0.693 अपॉन के मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अच्छा, किसी ने कर्व दे दिया और हाफ लाइफ पूछ ली, तो कर सकते हो आप। ये वैल्यू कितनी होगी? 0.693 अपॉन के मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी वैल्यू आएगी इसका आधा कर दो, हाफ लाइफ आ जाएगी। के निकालना है, के निकाल लोगे क्योंकि ये वैल्यू तो दी जाएगी, ये पॉइंट दिया जाएगा आपको। के ये टच करेगी, हाँ ए नोट, अगर जीरो दे दिया जाएगा तो कौन हाफ लाइफ बोलेगा, इसलिए नहीं करेगी। सही बात है, नहीं करेगी, एग्जैक्ट टच नहीं करेगी, डॉटेड रह गया। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? और भी कर्व बनाए जा सकते हैं, और कौन सा कर्व बनाने की कोशिश कर रहे हो? AT, AT की वैल्यू क्या होती है? ए नोट ई की पावर माइनस KT। तो हमसे कर्व बनाया जा रहा है AT वर्सेस T के बीच में, हम भी इंटेलिजेंट है बचपन से ही। तो AT वर्सेस T के बीच में कर्व क्या होगा? ए नोट हाई नहीं, एक्सपोनेंशियली फॉल, बिल्कुल एक्सपोनेंशियली फॉल होगा, ये एक्सपोनेंशियली फॉल AT वर्सेस T। और आपके पास कर्व है ही, AT की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए नोट ई की पावर माइनस KT, और ये वाली वैल्यू ए नोट होगी। जब T की वैल्यू 0 तो ए नोट आ जाएगा। यस, तो एक और कर्व आपने बना लिया। एक और कर्व आप बना लेते हैं। अगर मुझे कहा 80 यहां पर क्या है? अमाउंट। अगर कहा रेट वर्सेस RT वर्सेस T, यानी एक तो है अमाउंट वर्सेस T और एक है RT वर्सेस T। भाई अमाउंट कम हो रहा है, रेट तो कम होनी होनी है, बोलो होनी है ना? मेरे पहले मेरी वाइफ क्या देती थी? 100 रुपये, फिर समझ में आ रहा है, फिर 90 रुपये, फिर 81 रुपीज़। तो रेट भी कम हो रही है और अमाउंट भी कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे किसी ने कहा इनमें क्या रिलेशन होगा? मैंने कहा बहुत ईजी है, क्या रिलेशन होगा? एक काम करो, दोनों तरफ ए नोट और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? के से। तो क्या हो जाएगा? RT की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर नोट ई की पावर माइनस KT। कैसे? दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो के मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, के मल्टीप्लाई बाय अमाउंट क्या होता है? रेट। यस और नो? तो RT वर्सेस, यहां RT क्या है? रेट है। तो रेट वर्सेस टाइम के बीच में कर्व कैसा आएगा? वही समझना, आर दोनों का काम कर सकता है, आर रिएक्टेंट का अमाउंट भी बता सकता है और आर रेट भी बता सकता है। तो वो वर्ड्स को भी पढ़ना, आर क्या है वहां पर, रेट है या रिएक्टेंट की क्वांटिटी है। लेकिन खैर दोनों की शेप एक जैसी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तीन चार कर्व आपने पढ़ लिए, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? एक और कर्व बना सकते हैं हम, कैसे?
वो है पी वर्सेस एलन लॉग ए टी, ये भी एक अच्छा हो सकता है। आप जानते हो हमने एक रिलेशंस पढ़ा था, क्या था वहाँ लॉग है, ये था टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ए नॉट अपॉन ए टी को लॉग ऐसे लिख सकते हैं। मुझे टी चाहिए वाई, ये वाई का काम करेगा, तो टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट माइनस 2.303 अपॉन के लॉग ए टी, तो ये क्या हो गया वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स वाला कर्व है। वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स वाला कर्व कैसा बनेगा? अगर ये थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब माइनस मत लिखना, 2.303 के, क्योंकि आपने इधर से लिया है, इस तरफ से लिया है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड में आंसर देना है। अब आपको किस किस के बीच में था ये लॉग 80 वर्सेस, हाँ या ना? कोई डाउट नहीं है? देखिए अक्सर मैंने देखा है डेराइव द रिलेशन वाले फर्स्ट ऑर्डर के काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है डेराइव द रिलेशंस कैसे करते हैं वो समझेंगे, लेकिन हम कैसे पहचान देंगे कि डेराइव वाले एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन है। तो लिखा है फॉर ए होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन ए कन्वर्ट दिस, द इनिशियल प्रेशर वाज पी नॉट व्हाइल प्रेशर आफ्टर टी वाज पी, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कॉन्स्टेंट के इन टर्म्स ऑफ पी नॉट दिस दिस दिस, ये दिया गया है एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक दे रखी है। होमोजीनियस गैसियस इक्वेशंस, होमोजीनियस गैसियस, यहां एक और वर्ड डाल दो एलिमेंट्री, अपने आप ही अब क्या हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एलिमेंट्री लिखते ही फर्स्ट ऑर्डर हो गया, एक ही रिएक्टेंट है। बोलो यस और नो? अब आप कैसे करेंगे इसको देखिए ध्यान से, सॉल्यूशंस आप सबसे पहले लिखेंगे ए कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी प्लस डी, तो जो भी दे रखा है वो लिख दो। आपको क्या दिया हुआ है शुरुआत में? पी नॉट 0 0 0, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? पी टी, इसका पी ए, जो भी पी इसका दिया हुआ है वो लिखना है आपको, जो कि अपने आप में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस जगह पी नॉट माइनस एक्स 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 एक्स। बोलो यस और नो? पक्का? अब आपको क्या दिया गया है? पी नॉट माइन, तीनों का ऐड कर दो, पी नॉट प्लस 2x की वैल्यू दे रखी है आपको पी, तो क्या आप x बता सकते हो इन टर्म ऑफ पी? पी नॉट माइनस पी अपॉन टू, ये उधर ले गया, पी नॉट माइनस पी अपॉन टू सही है, x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा गलत ले गया, ध्यान से देखो, पी माइनस पी नॉट ये उधर ले जाना है, पी माइनस पी नॉट अपॉन टू, पी की एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपका रेट लो क्या कहता है, टी इक्वल टू 1/k एलन, अगर आपको एलन पसंद है तो एलन, एलन नहीं है तो लॉग 2.303 यहां लिखना पड़ेगा, लेकिन पी नॉट अपॉन पी टी ए, पी टी ए का ही लिखना होता है, ये पी टी ए है, समझ में आ रहा है मुझे? पी टी से मतलब यहाँ पर ए का प्रेशर कितना है, बस हमेशा वो लिखना होता है। तो क्या लिख सकते हैं? 1/k एल एन, पी नोट की जगह पी नोट, पी टी दिया नहीं है तो अपन ने पी नोट माइनस एक्स माना था, और एक्स भी नहीं अपन ने माना हुआ है, हमें एक्स नहीं रखना है, तो एक्स की टर्म भी रख दो,
पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, पी नॉट माइनस सॉरी पी माइनस पी नॉट अपॉन टू, तो टू ऊपर गया, वन अपॉन के एल एन टू पी नॉट, टू प्लस वन थ्री पी नॉट माइनस पी। बोलो समझ में आई बात? तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया, लिखें इसको, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपका आंसर भी यही है, और अगर आपको एल एन में नहीं छोड़ना है तो 2.303 अपॉन के लॉग 2p0 माइनस 3p0 अप माइनस पी, ये आपके पास हो गया। जो ऑप्शंस दिखे वो कर देना, दोनों दिख रहे हैं दोनों को टिक मार देना, लिखें इसको। हमने अभी तक हाफ लाइफ पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और एक मैंने पढ़ाया था आपको डेराइव करने के लिए डेरिवेशंस ऑफ उसके बीच में के वर्सेस प्रेशर के लिए, ये अपन कर चुके हैं। ऐसे ही एक और डेराइव करिए आप आज के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। फाइंड के इन टर्म्स ऑफ टी एन टी वी नोट वी टी, वेयर वी नोट इनिशियल वॉल्यूम, एंड वी टी टोटल वॉल्यूम, ऑफ ऑल रिएजेंट, रिएजेंट में प्रोडक्ट रिएक्टेंट सब आ गए, ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, तो रिएक्शन क्या है, ट्वाइस ए कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस टू सी में, और यहां आपको दे रखा है ये गैस है ये गैस है ये गैस है। तो आप सब समझदार हैं, आप एक ही चीज रखते हैं हमेशा, टी इक्वल टू जीरो पर क्या लिखते हैं आप, सोच के देखो आप क्या लिखते हैं, वी नोट, इसको जीरो इसको जीरो, और इसके लिए क्या लिखते हैं, वी नोट माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? एक्स की यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली लीटर, क्योंकि लीटर में से लीटर ही माइनस होगा। यहां क्या लिखोगे आप, एक्स या एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, ये गलती मत करना, क्योंकि इसके टू से वन तो एक्स है एक्स बाई टू। बोलो सही है? यहां क्या लिखोगे, एक्स, पक्का? आपको क्या गिवन है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है आपका, आपको क्या गिवन है, वी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, वी टी वी टोटल, तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप, एक्स बाई टू इक्वल टू वी टी माइनस वी नोट, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू वी टी माइनस वी नोट, एक्स की वैल्यू निकल गई। तो आप बताएं के की वैल्यू क्या है, 2.303 अपॉन टी लॉग वी नोट अपॉन वी नोट माइनस एक्स। बोलो यस और नो, यही होता है, एक्स की वैल्यू पुट करके डेराइव कर लो। तो आपके पास, बस गलती मत करना मैथ्स लगाने में, कहीं कैलकुलेशन में गलत मत कर देना, लॉग वी नॉट माइनस वी वी एम वी नॉट माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू वी टी प्लस टू वी नॉट, तो मेरे पास आएगा 2.303 टी लॉग वी नॉट अपॉन थ्री वी नॉट माइनस टू वी टी। कोई भी चीज हो तो देख लो, कोई गलती तो नहीं है कोई। दोस्तों हम केमिकल काइनेटिक फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, और हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर बहुत आता है, तो एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दे रहा हूं मैं, उसको पकड़ने की कोशिश करना। मान लीजिए
ये है एसएल कॉन्सेप्ट्स। मान लीजिए आपके पास शुरुआत में ए नोट है, क्या है ए नोट, ए नोट बाई टू होने में कितना टाइम लगाएगा, टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू मान लीजिए एक्स मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स क्या इंडिकेट कर रहा है, कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है, बोलो यस और नो। अब अगला, फिर टी एक्स मिनट इनवर्स बाद ये कितना हो जाएगा, ए नोट बाय टू की पावर टू। फिर अगला है एक्स मिनट इनवर्स के बाद कितना हो जाएगा, ये तो टी हाफ है, सॉरी सॉरी सॉरी, मिनट ही आएगा, इनवर्स नहीं आएगी, के की यूनिट मिनट इनवर्स होती है, हाफ लाइफ की तो मिनट ही होती है। तो एक्स फिर टी हाफ कितना हो जाएगा, ए नोट अपॉन टू की पावर थ्री, यानी एट, ऐसे चलेगा। फिर अगले पॉइंट में आपके पास कितना हो जाएगा, ए नोट वापिस एक्स मिनट बाद, ए नोट अपॉन टू की पावर फोर। तो ऐसे चलते चलते अगर हम कभी आ रहे हैं तो ए नॉट अपॉन टू की पावर एन आ जाएगा, या सुनो डॉटेड करते करते। तो क्या मेरी ट्रिक डायरेक्ट बन सकती है, ए नॉट अपॉन टू की पावर एन, एन यहां पर क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, एन यहां पर क्या रहेगी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, और एन को कैसे निकाला जा सकता है, टी अपॉन टी हाफ करके नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। जैसे किसी की हाफ लाइफ 10 मिनट है तो 100 मिनट बाद में कितनी हाफ लाइफ्स हो चुकी होंगी, 10, तो यहाँ 2 की पावर क्या आएगा 10। समझ में आ रहा है, तो इस तरह के एग्जांपल्स में आपको ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, 2 की पावर n, यानी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए टी हो जाएगा आपके पास, ए टी इक्वल टू ए नोट बाय 2 की पावर n, और n वहां पर क्या है t अपॉन t हाफ। समझ में आ रही है बात, तो इस पे एग्जांपल भी बन सकते हैं। और हम एक और चीज जानते हैं, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। ये a नॉट a कि मास में ले सकते हैं, मोल में ले सकते हैं, कंसंट्रेशन में ले सकते हैं, तीनों में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट एलिमेंट हैविंग इनिशियल क्वांटिटी इज 8 ग्राम is 8 gram, then calculate time when it become, when it become 0.5 gram, if half life of it is 200 years, 200 years, तो आप सॉल्यूशंस बनाना चाहते हैं, बहुत इजी है। टी हाफ लाइफ आपको ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ए टी की वैल्यू ए नॉट अपॉन टू पावर एन, एन निकाल लो पहले, ए टी कितना दिया हुआ है आपको 1/2, ए नॉट कितना है 8, टू पावर एन, टू पावर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उस तरफ जाएगा 16, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, या सुनो पक्का एन की वैल्यू क्या होगी, जोर से बोलो 4। अगर एन की वैल्यू 4 हो गई तो टी को निकालना आपके लिए बहुत आसान है, t इक्वल टू क्या हो जाएगा t हाफ मल्टीप्लाई बाय n, और हाफ लाइफ कितनी है 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कितने साल हो गए 800 साल बाद वो इतना हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं हुआ। अब इसको दूसरे मेथड से करते हो तो आपका टाइम जरूर कंज्यूम हो जाता, कौन सा, t वाला मेथड यूज़ करते हैं, आंसर तो यही आता सेकेंड मेथड। क्या ये बोर्ड में यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं,
लेकिन और ज्यादा अच्छा है ये वाला यूज करना, टी इक्वल टू, बोर्ड वाले तो पूरी स्टेप मार्किंग देते हैं, तो 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, 2.303 के की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन 200, लॉग ए नॉट की वैल्यू कितनी है 8 और ए टी की वैल्यू 1/2, तो 16 आएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद 800 आएगा। कैलकुलेशन आपके पास है? यस yes. तो ये बोर्ड मेथड हो गया, सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड लिखें, इसको करें। देखो हम कुछ सब्जेक्टिव पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस भी करते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है और हमें उनसे रिलेटेड डेरिवेशंस डेराइव करने होते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल कर रहा हूँ, एस्टरिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसको आप कैसे देखते हो? पहले पूरा समझो कॉन्सेप्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर तो कैसे लगेगा, हमारा हेडिंग क्या रहेगा, काइनेटिक ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। मैंने एक सब एस्टर को देखा, आपने भी देखा होगा, एस्टर किस तरह का होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये एक एस्टर है जिसको आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस आर ओ एच। क्या आप जानते हो ये बात? आप शायद एक बात और जानते हो कि ये एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है, तो जो एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है उसमें आप H प्लस रख दो। समझ में आ रहा है? मान लीजिए आपने शुरुआत में तीन अलग अलग कंटेनर, तीन क्या चार ले लो आप, पैसे की कमी नहीं है, एस्टर वाटर का सेम मिक्सचर बनाया, एसिड भी, और उसको तीन अलग अलग बीकर में डाल दिया बराबर क्वांटिटी में, तो बराबरी का ध्यान रखना बड़ी मुश्किल होती है बराबर क्वांटिटी में, तो हर जगह आपने एक एक लीटर डाल दिया, नाप के डाल दो आप, तो ये आपने डाल दिया, ये डाल दिया, समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट्स? अब और रखा हुआ है, अगर आपको लगता है बाद में जरूरत है तो एक लीटर का और कंटेनर बना देंगे, तीन लीटर, टाइम चालू कर दिया आपने, टी इक्वल टू जीरो, भाई एस्टर में वाटर डाला, एच प्लस बाहर से डाल दिया, एच प्लस डालने के लिए क्या डालोगे, एस सी एल, एस सी एल डाल दिया थोड़ा सा, और फिर रिएक्शन होने दिया, अभी कुछ भी नहीं बना है, टी इक्वल टू जीरो पे तो क्या है, कुछ भी नहीं बना है, तो टी इक्वल टू जीरो पर एसिड के नाम पर क्या है, सिर्फ वो एच प्लस की कंसंट्रेशन, समझ में आ रहा है, और एसिड की कंसंट्रेशन शुरुआत में क्या मानोगे आप, कुछ भी मान लो, अभी H प्लस ही मान लो, एसिड एस सी एल ही डाल दो आप, तो ठीक है ना, एसिड की मोल जो भी है आपके लिए, तो आप मोल ही ले लो क्योंकि वॉल्यूम एक लीटर ले रखा है, तो मोल ही हो गया एस सी एल के मोल, एसिड के नाम पर एस सी एल है। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, एसिड के नाम पे कितने मोल होंगे आप बताओ मेरे को, एस सी एल भी होगा और बनने वाला आर सी डबल ओ एच भी होगा, सही है, और यहां एसिड क्या होगा, एन एच सी एल प्लस आर सी डबल ओ एच, अब पहले से ज्यादा बन चुका होगा, ठीक है ना, मान लीजिए इनफाइनाइट टाइम आ गया तो नोट लगा दो, आपके क्या जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम का मतलब हो रहा है सबसे लास्ट टाइम तक, ये टी इक्वल टू, यहां ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, टी इक्वल टू इनफाइनाइट, और यहां लिख दो ब्रैकेट लगा के टी इक्वल टू टी, समझ में आ रहा है, यानी आप यहां टी इक्वल टू जीरो की बात करेंगे, यहां टी इक्वल टू टी की बात करेंगे, और ये इनफाइनाइट टाइम पर आप एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखेंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है, मतलब कुल मिला के ये शुरुआत में बनाते ही देख लिया, इसको बनाने के बाद एक घंटे बाद देख रहे हैं, इसको बनाने के बाद दो दिन बाद, दो दिन का मतलब बहुत टाइम हो गया, दो चार दिन बाद देखेंगे
इनफाइनाइट हो गया, तीनों का एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम अमाउंट लेंगे, एक सेम अमाउंट यहाँ पर इनिशियल, ये तो फिक्स ही, बस ये चेंज होता जाएगा मैकेनिज्म के थ्रू। तो अब मैंने इसकी टाइट्रेशन करी, एसिड की टाइट्रेशन किससे की जाती है, एसिड से या बेस से? बेस से पक्का। एसिड की टाइट्रेशन के लिए आप बेस लेते हो, बेस की टाइट्रेशन के लिए एसिड लेते हो, बचपन में सीखा ऐसा तो अपन ने, तुमने भी सीखा होगा, ठीक है। तो बताइए यहां पर बेस की कितनी अमाउंट चीरेगा, बेस बेस कौन सा लेना पसंद करोगे? हाँ NaOH, NaOH टाइट्रेट किया, तो उसका कितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा, सोच के देखो कितना कंज्यूम होगा। मान लीजिए उसका वॉल्यूम, जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वी नॉट, या सुनो यहां NaOH का कितना मोल कंज्यूम होगा, NaOH का कंज्यूम वॉल्यूम VT, समझ में आ रहा है? और ये जो VT की वैल्यू होगी, ये V नॉट प्लस एक्स होगी, उतना तो चाहिए HCl के लिए, उसके अलावा बनने वाला RCOOH भी चाहिए, सही है। तो ये X क्या है, एक तरह से मोल ऑफ RCOOH, उसके इक्वल ही आएगा प्रोपोर्शनेट। तो अगर आपको लगता है कि सर प्रोपोर्शनेट कर देते तो ज़्यादा सही रहता, तो मेरे लिए बहुत आसान है, कर दूंगा मैं, मना कौन करेगा। और यहाँ आपके पास NaOH के कितने मोल कंज्यूम होंगे, V नॉट प्लस, अब तो ये इनफाइनाइट वाला X हो जाएगा। तो कोई मुझे रिएक्शन लिख के दे दे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने रिएक्शन लिख दी ऊपर, एस्टर प्लस H2O, H प्लस एसिड प्लस अल्कोहल, T इक्वल टू जीरो पर ये कितना है, मान लीजिए ये ए नोट है, इसको अपन लिखते ही नहीं है, जीरो जीरो ए नोट माइनस, क्या लिखोगे, एक्स लिख नहीं सकते, एक्स ऑलरेडी आप ले रहे हो, तो क्या लिखोगे, ए लिख दो कुछ भी। और ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम पे, जीरो, हाँ या ना, कुछ समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास हो गया अलग अलग समय पे एस्टर के द्वारा बनने वाला एसिड की अलग अलग क्वांटिटी। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन समझने में आने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमारे लिए। अब फिर वापिस हम हमारे मेन तरफ देखते हैं, देखिए ध्यान से, सबसे NaOH सबसे कम कहाँ कंज्यूम होगा, यहाँ। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा अब आपको NaOH की दो जगह जरूरत होगी, एक HCl को लिए और एक बनने वाले RCOOH के लिए, इज दैट क्लियर। तो यहाँ हमारे लिए दिक्कत क्या आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, बस ये है कि हमारे को कहीं से भी A पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, समझ में आ रही है? तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात आ रही है कि यहाँ जो आ रहा है वॉल्यूम वो कितना यूज हो रहा है इसके लिए, क्या कहलाएगा, वी इनफाइनाइट। इसको मैंने क्या बोल रखा है, वी टी, और इसको क्या बोल रखा है, वी नोट। वी इनफाइनाइट हमारे लिए एक तरह से कितना हो जाएगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट्स बन रहे हैं, आप मेरे रिजल्ट्स पे जाओ, समझ में आ रहा है, आप मेरे रिजल्ट पे जाओ, वी इनफाइनाइट किसके प्रोपोर्शनेट है, आप खुद देखो, ए नॉट प्लस एसिड का आप कुछ भी मान लो, एसिड तो वैसे ही आपने एसिड का अमाउंट क्या मान रखा है, NaOH का कुछ भी, एसिड का कुछ भी मान लो, एसिड का अमाउंट NaCl ही लिख दो या NH प्लस लिख दो, चलने दो, ये तो है इनफाइनाइट टाइम पे यूज हुआ, समझना बात को। वी टी किसके प्रोपोर्शनल होगा, सोचो वी टी किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए के,
ठीक है बिल्कुल, मैं भी आपकी बात हूँ, एन एस सी प्लस, और वी नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ एन एच प्लस। ये मेरे लिए दिमाग में आया, मैंने ये वाली चीज़ें भी बहुत हटा दी, इससे भी कोई ज़्यादा नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सिर्फ समझाने के लिए था। इनफाइनाइट ए नॉट बनने वाला ये प्लस एस सी एल, वी टी बनने वाला ये प्लस एच प्लस, वी नॉट शुरुआत में जो एच ले रहे हैं अपन, शुरुआत में ले रहे हैं एच प्लस, वो एच प्लस। अब आपके लिए क्या होगा, आपके लिए बहुत आसान हो गया, थोड़ी सी जगह चाहिए, और मुझे कुछ भी करके मुझे क्या चाहिए, मुझे ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस ए का रेशो चाहिए के के लिए। और अब मेरे को यहाँ मैथ्स लगानी है, मैथ्स लगानी है, तो तीन इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, और आप मेरा साथ देंगे, वी इनफाइनाइट इक्वल टू के सब जगह आ जाएगा के ए नॉट प्लस एन एच प्लस, वी टी इक्वल टू के ए नॉट नहीं सॉरी ए प्लस एन एच प्लस, और वी जीरो इज इक्वल टू के एन एच प्लस। तो आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो बस इतना सा कर दो कि एच प्लस को हटा दो, माइनस कर दो। तो क्या करोगे, ये मान लीजिए इक्वेशन वन टू थ्री, आप वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट करो, आपको क्या मिलेगा, के के तो मिलेगा, टू ए नॉट नहीं, आप इसमें से ये माइनस कर रहे हो, ये वाला कट जाएगा, टू ए नॉट बस, हाँ सही है, के ए नॉट, टू ए नॉट के ए नॉट। और ये तो रहा आपने कौन सी इक्वेशन करी, वन माइनस थ्री, वन माइनस टू करके देखना, वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, के। आपको समझ में आ गया, मेरे को इनका रेशियो मिल गया, और आप अच्छे से जानते हो मेरे से पढ़ते हुए कि मुझे ये रेशियो ही चाहिए था, और आप मेरे को अच्छे से जानते हो, तो मैं यहाँ पर टी की वैल्यू क्या होती, के की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन टी एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, यही पढ़ाया था मैंने, ए नॉट माइनस ए लिखना पड़ेगा यहाँ, यही पढ़ाया था मैंने आपको, तो वन अपॉन टी एल एन ए नॉट, यानी इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट अपॉन वी इनफाइनाइट, मैंने यहाँ वी टी करा था, सही कह रहे हो, वी टी होगा तभी ये माइनस हुए, तो वी इनफाइनाइट माइनस वी टी के की वैल्यू। कुछ बोलोगे इस जगह, एक बार और समझाता हूँ सरल भाषा में, चलो ठीक। तो अब हम वापस आते हैं हमारे एक छोटे से पॉइंट पे, देखो इधर सामने, देखो सामने सामने, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, एस्टर वाटर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, समझना, बस यही समझना है कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो एसिड कैटेलाइज है एच प्लस है, तो शुरुआत में हम एक लीटर यहाँ डाला, सेम एक लीटर ना, सेम एक लीटर यहाँ डाला, ये डालते ही एक्सपेरिमेंट कर दिया, किसके साथ, NaOH, तो NaOH का जो वॉल्यूम कंज्यूम होगा, वॉल्यूम किसका कंज्यूम हो रहा है, NaOH का, ये वॉल्यूम NaOH के, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा शुरुआत में, सिर्फ एच प्लस के मोल, सिर्फ एच प्लस के मोल, थोड़ी देर बात करा तो एच प्लस के मोल और बनने वाले एसिड के मोल इसके प्रोपोर्शनल होगा, और इनफाइनाइट टाइम पे एच प्लस के मोल बनने वाले एसिड के मोल, लेकिन इतना टाइम हो चुका है कि इसके पूरे ही बन चुके होंगे, इज दैट क्लियर, पक्का। तो यहाँ पर ये आ गया, तीन इक्वेशन है, अब मैंने क्या करा, मैथ्स लगा दी, के लिख दिया, और मुझे चाहिए था कैसे भी करके ए नॉट बाई ए नॉट माइनस ए का रेशियो मिल जाए, मेरा हमेशा टारगेट यही रहता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो मैंने थोड़ी सी मैथ्स लगाई, इक्वेशन वन माइनस थ्री करा, इक्वेशन वन माइनस टू करा, और मुझे a नॉट माइनस ए काट दिया के से के, तो ये रेशियो की जगह ये रख दिया, और ये वी नॉट वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट वी इनफाइनाइट माइनस वी टी, ये क्या बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ NaOH, इनफाइनाइट का मतलब अनंतम समय पर, नॉट का मतलब शुरुआत में, अनंत समय पर, टी समय पर, खत्म। तो आपको जब भी इस तरह की टाइटेशन दी जाएगी, आप
ये डेरिवेशन आपसे तो यही पूछा जाएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस. अच्छा वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी. पक्का? एक सेकंड के लिए सोच लो, अगर एग्जामिनर ऐसा कोई देता है यहां पर एस्टर का हाइड्रोलिसिस की जगह इस साल ग्लूकोज का दे देता, सॉरी कैन शुगर का, तो भी यही होता. पक्का? और अगर उसने समझना रोटेशन एंगल पे दे दिया तब भी यही होता. जरूरी है क्या रोटेशन एंगल? कैसे? ये एम्स ने दिया पहली बार, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन, पहले तो ये समझ लिया. तो ये कब कब लगेगा इन इस केस में? तो लग ही लिया एस्टर का हाइड्रो, किसी का भी हाइड्रोलिसिस, किसी का भी डिकम्पोजिशन ऐसे ही चल रहा है. एम्स ने एक बार दिया बहुत इजी कि ये केन शुगर है C12H22O11 प्लस H2O C6H12O6 C6H12O6 एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, यानी एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है. पक्का? और कह दिया कि पोलारीमीटर में जो रोटेशन एंगल है वो आर इनफाइनाइट है आर नॉट, पहले नॉट से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में आर नॉट फिर आर टी फिर आर इनफाइनाइट. सही है, सेम रिजल्ट बनेगा, सेम वही तो है. वहां पर एनओएच के वॉल्यूम थे, यहां पर इनफाइनाइट. तो बताइए ये रोटेशन एंगल है, रोटेशन एंगल एट इनिशियल टी इक्वल टू जीरो, रोटेशन एंगल एट, लिख लो ये मेरे साथ ही हो गया ये क्वेश्चन, एट टी इक्वल टू टी रोटेशन एंगल एट टी इक्वल टू टी इनफाइनाइट. तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा के इक्वल टू वन अपॉन टी लॉग, वो का वही आर इन, क्या होता है आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट अपॉन आर इनफाइनाइट माइनस आर टी. सेम डेरिवेशन बनेगा, सेम रिजल्ट बनेगा, सेम एक्सप्रेशन बनेगा. सपोज शुरुआत में रोटेशन नहीं होता, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता ये वाला कंपाउंड जो भी दे रखा है, तो कैसे करते? आर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाती? जीरो ये आ जाता, या फाइनल में आर टी जीरो होता तो आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट अपॉन आर इनफाइनाइट, या शुरुआत में जीरो होता ये जीरो, ये होता जीरो तो आर इनफाइनाइट अपॉन आर इनफाइनाइट माइनस आर टी. तो जो चीज नहीं है वो जीरो करके रिप्लेस कर दे, हटा दो क्वेश्चन तो वही रहेगा डेरिवेशन. तो आपका काम कहाँ चलेगा? आपका काम सब जगह चल जाएगा. अब इसमें न्यूमेरिकल बन जाना है इसका मतलब तो बहुत टफ कर दी कैलकुलेशन, लेकिन आप कर सकते हो. मैं आपको ये वैल्यू दे दूंगा तो बहुत है, लेकिन एम्स ने यही पूछा बस, रिलेशन क्या होगा, सिर्फ रिलेशन पूछा था, न्यूमेरिकल नहीं पूछा था उसने, न्यूमेरिकल वो पूछते भी नहीं है, न्यूमेरिकल पूछते हैं एडवांस पे, और कुछ बड़ी बात नहीं है, वैल्यूज देते हैं और कैलकुलेशंस करनी होती है. ठीक है, हमने आज दो तीन कंसेप्ट बहुत अच्छे पढ़ लिए केमिकल काइनेटिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के. आ रही है बात समझ में? यस. अब आगे हेडिंग डलेगा हमारा क्या रहेगा? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स.